प्रश्न अपने मूल प्रश्न में जाने से पहले मैं थोड़ा सा कहना चाहूंगी कि एक झारखंड में एकीकृत बाल विकास योजना ICDS का सर्वे 2021 के तहत पिछले 6 महीने में एक बार भी 55% से ज़्यादा पोषण आहार नहीं दिया गया है। और इसी सर्वे में आपका प्रश्न क्या है? मैं प्रश्न में आ रही हूँ अध्यक्ष महोदय, मैं थोड़ा सा चाह रही थी कि थोड़ा बता पाऊँ कि वहाँ की वस्तु स्थिति क्या है, क्योंकि वहाँ आदिवासी बहुल क्षेत्र है और कुपोषण उस क्षेत्र में भयावह रूप लिया हुआ है। मैं इसलिए मैं थोड़ा सा बताना चाह रही हूँ अध्यक्ष महोदय। आपको इजाजत थोड़ी मिली अभी, अध्यक्ष महोदय 0 से 6 वर्ष के बच्चे, हर दूसरा बच्चा कुपोषित है और यहाँ पर पिछले कई दिनों से पोषाहार नहीं मिलने के वजह से सिर्फ इन बच्चों को नहीं अध्यक्ष महोदय, किशोरियों को भी पोषाहार नहीं मिल रहा है। जो धात्री माताएं हैं, जो गर्भवती माताएं हैं, उनको भी कई दिनों से पोषाहार नहीं मिला है। तो ऐसे में मैं ये जानना चाहूँगी माननीय मंत्री से, क्या मंत्रालय द्वारा बच्चों को यानी किशोरियों को और गर्भवती माताओं को पूर्ण रूपेण योजना का लाभ मिल रहा है, इस संदर्भ में कोई अध्ययन किया गया है? मैं अध्ययन का शब्द इसलिए इस्तेमाल कर रही हूँ अध्यक्ष महोदय, क्योंकि धरातल पर कहीं नहीं मिल रहा है और इसलिए ये स्थिति है कि आज वहाँ सबसे अधिक कुपोषण है। माननीय मंत्री जी, सम्मानित सदस्य ने जो आरोप इस सदन में प्रस्तुत किया वो अपने आप में अध्यक्ष महोदय अति गंभीर है, और ये आरोप गंभीर इस दृष्टि से भी है कि प्रदेश की सरकार जो सूचना केंद्र सरकार को पोषण अभियान के संदर्भ में भेजती है, केंद्र सरकार उसी पर निर्भर कर आगे की व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने में अपनी भूमिका निभाती है। प्रदेश सरकार ने हमारी विभाग को ये सूचना दी थी कि व्यवस्थाओं में किसी प्रकार की खलल नहीं है, पूर्णता व्यवस्थाएँ महिला और बच्चे जो लाभार्थी हैं उनको मिल रही है, लेकिन आज जो कथन मैंने सदस्य का इस सदन में सुना उसकी गंभीरता को देखते हुए निश्चित रूप से प्रदेश सरकार से जवाब मांगने का